अहोई अष्टमी व्रत कथा एक साहूकार था जिसके सात बेटे थे और सात बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली का समय था। घर की पुताई के लिए साहूकार की सातों बहुएं कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थीं। जहां वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं स्याहू माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। अब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तब उसकी सभी छह भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद के बदले कोख नहीं बनवाऊंगी तो मेरी सासू माँ नाराज हो जाएगी। ऐसा सोच विचार करके छोटी बहू ने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी साहूकार की छोटी बहू को बच्चा होता तो वह सात दिन के बाद मर जाता। ऐसा हर बार होता। एक बार बहू ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि जब भी मेरे संतान होती है तो वह सात दिन के अंदर मर जाती है, ऐसा क्यों होता है? जब पंडित जी ने बताया कि तेरी कोख स्याहू माता के पास बंधी हुई है, सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है, स्याहू माता तेरी कोख छोड़ें तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद छोटी बहू रोज सवेरे सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय माता के नीचे सफाई कर आई थी। गाय माता बोली कि रोज कौन मेरी चुपचाप सेवा करके जाता है, जो आज देखूंगी कौन है वह। गौ माता सुबह बहुत तड़के उठी और वह देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। तब गाय माता बोली, मांग क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली है, उसके पास मेरी कोख बंधी हुई है, आप मेरी कोख खुलवा दो। तब गाय माता ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें स्याहू माता के पास ले चलती हूँ। तब गाय माता समुन्दर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर जाती है। रास्ते में बहुत तेज धूप थी, वह दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी छोटी बहू देखती कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठे हैं वहां एक सांप आता है और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था और उसमें बच्चे थे। वह सांप उनको डसने लगा। तब साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद वहां गरुड़ पक्षिनी आई और वहां आसपास खून पड़ा। देखकर साहूकार की छोटी बहू के छोंच मारने लगी। साहूकार की छोटी बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, मैंने तो तेरे बच्चों को सांप के डसने से बचाया है, मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर वह गरुड़ पक्षी बोली कि मांग क्या मांगती है? अब साहूकार की बहू कहती है कि सात समंदर पार स्याहू माता रहती है, तू हमें उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। तब स्याहू माता सुरही गाय को देखकर कहती है, आ बहन बहुत दिन में आई है। फिर अपनी सहेली से बात करते हुए स्याहू माता कहती है कि मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू सिलाई से स्याहू माता के सिर में से जुएं निकाल देती है और स्याहू माता की खूब सेवा करती है, जिससे स्याहू माता प्रसन्न हो जाती है और साहूकार की छोटी बहू को सात बेटे सात बहुओं का आशीर्वाद देती है। यह सुनकर साहूकार की बहू स्याहू माता से कहती है कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, सात बेटे और सात बहू कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, क्यों क्या बात है? तब साहूकार की छोटी बहू बोली, आप मुझे वचन दे तो मैं बताऊं। तब स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी बनूं। यह सुनकर तब साहूकार की छोटी बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख नहीं खोलती, पर अब खोलनी पड़ेगी। तू घर जा, तुझे सात बेटे और सात बहुएं मिलेगी, तू घर जाकर उजमन करियो, सात अहोई बनाकर सात कढ़ाई करियो। वह घर लौटकर आई तो वहां सात बेटे सात बहू देखकर बहुत खुश हुई और उसने सात अहोई बनाई, सात कढ़ाई की, सात उजमन किए। दीपावली के दिन उसकी जेठानियां आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, छोटी अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। बहुत देर तक जब उनकी छोटी देवरानी के रोने की आवाज नहीं आई तो वह अपने बच्चों से बोली कि अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। तब बच्चों ने जाकर देखा और आकर अपनी माँ से कहा कि चाची तो कुछ बना रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह बात सुनकर उसकी जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उससे बोली कि तेरी तो कोख बंधी हुई थी, तूने कोख कैसे छुड़ाई?
तो छोटी बहू बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं तो मैंने कोक बंधवा ली। स्याहू माता की कृपा से मेरी कोक खुल गई है। स्याहू माता ने जिस तरह उस साहूकार की बहू की कोक खोली, इस तरह हमारी भी खोलियो कहानी कहने वाले, सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोक खोलियो। बोलो स्याहू माता की जय।